बर्गर खाने के शौकीन तो आप भी हो और मैं भी हो, हर एक को बर्गर अच्छा लगता है, बट कभी आप बर्गर खाते हैं ना उसका रेशियो चिकन निस्टू या फिर जो भी हम उसमें प्रोटीन होता है वो कम होता है। आज आपको ऐसा बर्गर दिखाऊंगा जिसमें पैटी नहीं होती, और आज हम आए नैंडोज के अंदर जो फेमस है अपने अफ्रीकन पोर्चुगीज कुजीन के लिए। वी ट्राइड एवरीथिंग एट नैंडोज। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको साइड्स क्या चूज करनी है, उसके बाद आप क्वार्टर हाफ फुल ले सकते हो, देन यू कैन डिसाइड ऑन द साइड ऑल्सो। तो उसके अलग अलग प्राइसिंग है, फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी चीज़ों के, बट आई सजेस्ट के साइड जरूर लो तभी पूरा आप इन्जॉय कर सकते हो नैंडोज एक्सपीरियंस। वेट करें बाकी सब चीज़ों को आने का। तो साइड ही देखो कितने सारी है, यू कैन चूज अ लॉट, यू कैन हैव फ्रेंच फ्राइज, राइस, फ्री बीन सैलेड, एंड अगर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो मेरे जैसे तो ये भी खा सकते हो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। सो दिस इज़ माई बिगेस्ट टेस्टिंग एवर बिकॉज टेबल छोटा पड़ गया और एक डिश हमने अभी साइड वाले टेबल पर रखी हुई है, जो एक डिश खाली होगी तो वो आएगा। तो गिनते कितनी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 इज ऑन दैट टेबल। तो उस टेबल पे है, तो आज काफ़ी कुछ टेस्टिंग में होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं इनके नान से। दिस इज देयर साउथ अफ्रीकन वर्जन ऑफ द नान, एंड इसमें ग्रिल्ड चिकन पीसेज है विद देयर सॉस। मतलब दिस इज़ वेरी क्लोज टू द इंडियन, मतलब आप हिंदुस्तानी खाना है ना, जैसे ऊपर बटर चिकन लगाया हो तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू दैट। टेस्ट करते हैं, यू कैन कॉल इट अ पिज्जा ऑल्सो। जो उसका क्रस्ट है इट्स मोर क्लोज टू द पिज्जा बेस देन द नान। ऊपर सॉस काफी अच्छी है, इट्स वेरी गुड, मतलब वेरी क्लोज टू द इंडियन फूड देसी वर्जन। अब हम इनके बर्गर्स टेस्ट कर रहे हैं और इनकी टैगलाइन है पैटी गई तेल लेने के लिए। और दूसरी बात क्या कि हमें पता है जब पूरा पीस चिकन का मैरिनेट करके उसको ग्रिल कर रहे हैं तो पूरा ही चिकन है, उसमें कोई फिलर्स नहीं है या कुछ अलग चीज़ नहीं मिला रखी है, 100% चिकन। तो सबसे पहले मैं इनका ग्रिल पिमेंटो टेस्ट करूँ। दिस इज देयर रेड पेपर, इस पर हमस भी हैं, एंड जो बन की क्वालिटी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, काफ़ी प्रीमियम है। लेट मी टेस्ट देयर बर्गर नाउ। एक और चीज, दे यूज ओनली चिकन ब्रेस्ट इन देयर बर्गर्स। हल्का सा स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था, पहले हमस फिर ग्रिल्ड चिकन उसके ऊपर पेरी पेरी, एंड बीच में ना इन्होंने, आपको दिखाता हूँ ये देखो, इन्होंने बीच में ना रेड पेपर डाल रखा है, अलग ही क्रंच आ रहा है फ्लेवर। जो बर्गर्स की रेंज है इनकी कुछ अराउंड 350 से चालू हो जाती है, तो जैसे ही आप बर्गर ऑर्डर करते हो एक साइड कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर मेरी मानो तो चूज़ द ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और फ्री बीन, दे आर वेरी गुड। एंड ये देखो चीज़, टोमेटोज, प्याज और लेट्यूस, दिस इज़ वेरी प्रीमियम बर्गर, दिस इज़ वेरी चीज़। किस उसको बर्गर पसंद है नीचे लिख के बताओ। अमेजिंग बर्गर, सबसे ज्यादा आपने सबसे ज्यादा अमेजिंग बर्गर कहाँ पे खा रखा है? इवन दो ये चिकन ब्रेस्ट यूज कर रहे हैं लेकिन इट्स सुपर सॉफ्ट, दैट इज व्हाई नैंडोज इज नोन फॉर देयर ग्रिल्ड चिकन, बिकॉज दे कुक इन सच अ वे के यू गेट बेस्ट ग्रिल्ड चिकन वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे एस्पेटाडास कार्निवल। मैं इस बर्गर को रिमूव कर देता हूँ। तो दीज आर थाई पीसेस, बोनलेस, और अगर आप चाहो तो यू कैन, अगर आपको ये स्पाइसी इतना ना लगे, देखो पेरी पेरी है बट इट्स नॉट पेरी पेरी, और इसका एक्स्ट्रा हॉट भी इतना स्पाइसी नहीं है जितना हम लोग खाते हैं, सो फियर मत करना। मतलब आपको लगे ना एक्स्ट्रा हॉट नहीं खा सकते या फिर हॉट नहीं खा सकते, ये हॉट की जो डेफिनेशन है ना वो इंडियन पैलेट के हिसाब से नहीं है, तो हम लोगों को ये नॉर्मल लगेगा इनका हॉट वाला भी, सो आई वुड से गो फॉर द एक्स्ट्रा हॉट
ओनली। तो मैं ऑर्डर करता हूँ अभी एक्स्ट्रा हॉट वाली सॉस, ये है इनकी वर्ल्ड फेमस सॉस, तो हम लेके सबसे एक्स्ट्रा, इससे भी हॉट कुछ है? हाँ सर, एक्स्ट्रा हॉट ये मेन है, मतलब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं, मतलब ये ज़्यादा हॉट तो नहीं है ना? मतलब इंडियन पैलेट के हिसाब से, मतलब ठीक है, मतलब हम जितना स्पाइसी फूड खाते हैं ना कोई नहीं खा सकता। एक्सट्रॉट ये नहीं है कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी गिव्स यू द केक। वेरी नाइस, मतलब काफी अच्छा फ्लेवर है। अब थोड़े साइड्स टेस्ट कर लेते हैं इनके, लेट मी टेस्ट द राइस, ये इनके स्पाइसी राइस है। आई डोंट नो इन्होंने कैसे बनाया, बट कंप्लीमेंट के लिए अच्छे है। प्लस जैसे पीले वाले राइस का टेस्ट होता है ना, टेस्ट अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट द थ्री बीन सैलेड, देते हैं थोड़ा सा। सर टेस्ट है थोड़ा मीठा है, आई थिंक ये कैन के अंदर से आते हैं और लिटिल स्वीट, फ्राइज विद पेरी पेरी टॉपिंग, यू कैन हैव द सैलेड ऑल्सो। दिस इज द कोल्ड सॉ, बट आई वुड से माई फेवरेट इज ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, इसमें मशरूम है, बेबी कॉर्न है, कैरेट है, जुकीनी भी हैं, मतलब अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको ग्रिल करा गया है, फिर थोड़ी सी सॉस डाली गई। आई थिंक ये साइड मैंने कभी कुछ टेस्ट नहीं करी, बाकी सब मैं टेस्ट कर रखे हैं, तो ये अपने भुट्टे जैसा है। और एक चीज़ मुझे इन्होंने बताई है कि ये जो वेजिटेबल ग्रिल होती है ना, उसका जो ग्रिलर है वो अलग है, उसमें चिकन ग्रिल नहीं होता। तो आपके साथ कोई वेजिटेरियन आ रहा है दोस्त, जो लाभ ले आए हो, उसका प्यार होएगा आपसे कि नैंडोज आ गया आपके साथ, तो वो भी खा सकता है वेजिटेरियन फूड बिना किसी परेशानी के। हटके डिश से तो हम इंडियंस को आदत है हर चीज स्पाइसी खाने की। अब बढ़िया, बिल्कुल स्पाइसी। आई थिंक थोड़ा टेबल मैनेजमेंट स्किल्स हमें करनी पड़ी, टेबल छोटी पड़ गई, बताओ इतना टेस्ट करें। एंड दिस इज द पोर्चुगीज लेमनेड विच इज ऑल्सो स्पाइसी। इनकी राइस डिश टेस्ट करते हैं। वाओ लुक एट दिस गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दिस इज देयर चिकन कैटरपिलाना, दिस लुक्स वेरी वेरी गुड, लेट्स टेस्ट दिस ऑल्सो। वाओ दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, समझाने के लिए ये समझ लो कि ग्रिल्ड चिकन है, पुलाव के ऊपर डाल रखे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आना चाहिए चीज़ खा के, नाम कुछ भी हो अंगे खा के मज़ा आ रहा है। मतलब दिस इज अ डिश जो खा के आपका पेट भरेगा, मज़ा भी आएगा, बिकॉज काफ़ी लोगों को राइस काफ़ी पसंद होते हैं। ग्रिल्ड चिकन विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स ऑन अ राइस ब्रेड, स्पाइसी राइस ब्रेड, ऑसम। सैलेड भी है, अगर सिर्फ डाइट कर रहे हो तो फेटा चीज़ मेडिटेरियन सैलेड भी है। फेटा चीज़ वो पनीर है जो मिडिल ईस्ट का, मतलब ऐसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चीज। और फाइनली इनकी मेन डिश, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकती है, ग्रिल्ड चिकन। काफ़ी सालों से नैंडोज़ ने इंडिया में, एंड सब लोग इंडियंस ना इससे ही खाते हैं। आज मेरी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि इनके हर आउटलेट में वॉश बेसिन है, जिसे आप हाथ धो सकते हो, बिकॉज नैंडोज़ का खाना लोग हाथ से ही खाते हैं। मतलब इमेजिन करो आप तंदूरी चिकन इससे खा रहे हो, तो ये भी तो हाथ से खा सकते हैं। तो जो लोग गलत तरीके से नैंडोज़ अब तक खा रहे हैं, तो कमेंट करके बताओ, हम भी इनके ओरिजिनल स्टाइल से खाएंगे विद हैंड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस आप उसको अगर लोगे ना, इतना सॉफ्ट है, बस बोन से अलग हो जाता है, यू कैन ईट।
इसी क्वालिटी के लिए, इसी परफेक्शन ग्रिल के लिए नैंडोज इज नोन फॉल्ड ओवर। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको ये सीरीज कैसी लगी कि जिसमें हमने सब कुछ दिखाया मेन्यू में, आपको पता लगा एक ब्रांड है नैंडोज जिसके आउटलेट है सीपी में भी है, द्वारका में भी है और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे स्टोर्स आप गोल करके देख सकते हो। हम इस वक्त बैठे हैं इनके द्वारका वाले आउटलेट में जो 5th फ्लोर पे वेगस मॉल के अंदर है, तो आप भी आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बढ़िया बढ़िया मील नैंडोज के अंदर इन द्वारका मॉल वेगस। 10 लोगों को मिलेगी फ्री बर्गर मिल नैंडोज के अंदर। कैसे नैंडोज जाओ, बर्गर साथ वीडियो खींचो, जो सबसे अच्छे तरीके से बोलेगा ना कि पैटी गई तेल लेने के लिए, मिमिक भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उन 10 लोगों को मिलेगा प्राइस क्या है, 10 लोगों को मिलेगा 2 बंदों के लिए बर्गर मील प्लस शॉर्ट आउट फ्रॉम मी। एंड आपको क्या करना है, आपने वीडियो बनानी है, मुझे टैग करना है, नैंडोज को टैग करना है और नैंडोज स्क्रीन डिसाइड करेगी हुआ था 10 विनर्स। दैट सिंपल। तो फॉर टिल देन गुड बाय।